अरे काहे देख रहे हो, सोशल मीडिया पर नल्लागिरी कितनी ज़्यादा चल रही है वो तो लगातार देख। एक मिनट, फोन आ रही है ना, फोन आ रही है, डोंट डिस्टर्ब। हेलो जी नल्ला भाई। अरे नल्ला भाई, तुम्हें पहले भी मैंने कितना समझाया है, इस बार मैं तुम्हें कहा बार बार तुम्हें समझाता रहूँगा, आदत हो गई है तुम्हें फटे में टांग अड़ाने की। जब खुद की लुंगी सिलवाई नहीं जा रही तो फिर काहे दूसरे की फाड़ने में लगे हो, और काहे वो जो फोटो डाला है और टायर चाट रहे हो तुम हैं। अच्छा किसी और को चटवा रहे हो। ओ हो, अरे देखिए मेरी बात सुनिए, आपने शादी काहे करी जब बाहर वालों की जरूरत पड़ रही है घर में बुलाने की, तो सच्चा शादी नहीं करते भाई। भाई देखो, खुद का मामला जब हिलजुल हो तो दूसरे को बुला के झूला नहीं झुलवाते बल्कि उसका पूरा इलाज कराते। हाँ आगे से ध्यान रखना इस बात। हाँ, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, वो नल्ले की कॉल आ गई थी, जरा उसको समझा रहा था। तो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा था, मैं रास्ते में जा रहा था, 5 नल्ले आ रहे थे चलते हुए, बड़ी तेजी से दौड़ लगाने लगे। कहीं नहीं लगे भैया, हम पहले भागेंगे। उनकी लुंगियाँ गिर गई ससुरा, कुछ फिक्र ही नहीं है कि अपनी खुद की बेइज्जती हो रही है और दूसरे की लुंगी गिराने में लगे हैं। भैया एक की खुद की लुंगी गिर गई और दूसरे की लुंगी खींचने में लगे हैं, मगर वो खींचम तानी के चक्कर में एक टम्पू वाला आया, ऐसा धुड़ सा उड़ा के गया 4 नल्ले में, वहीं पर ही दम तोड़ दिया, एक नल्ला बचा रह गया। अब वो नल्ला कौन है मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फोटो देखिए, ये वही टम्पू का टायर है। भैया टम्पू बड़ा था, टायर बहुत छोटा था, जितनी बड़ी मुर्गी होती है उतना छोटा अंडा होता है ना, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये टम्पू का वही टायर आपको नजर आ रहा है और ये चाटते हुए नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने टायर चाटा था। इन्होंने टायर इसलिए चाटा कि भैया तूने मेरी जान बचाई ली है, तो इसलिए ये टायर डाल के नहीं किसी और को। चलो बाय द वे, जो भी है, इन्होंने ये टायर डाला और यहाँ लिखते हैं आजकल के लोग, मतलब इनके साथ में ऐसी दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं और फिर ये दूसरों को ब्लेम करते हैं। इनके खुद कुछ करने की बस की नहीं है तो इसलिए दूसरों के टांग में अड़ंगा देते हैं और वहां पर घुसने की कोशिश करते हैं। जब एक बड़ा स्टार कोई बन जाता है और खुद के मुंह पे पान थूक के कोई चला जाए तो फिर सोचो उस टाइम में दिल पर क्या गुजरती है। भैया ये मैं बयां नहीं कर सकता, ये आपको खुद नल्ला भैया बयां करेंगे। अब आजकल वही सब तो चल रहा है भाई, खुद की लुंगी संभाली नहीं जा रही है, दूसरे की लुंगी खींचम तानी करने में लगे हैं। जब घर की पकी पकाई खीर सारे इलाके वाले खाएं तो समझ जाना भैया मामला बहुत गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये पोज डालने का मतलब देखो, आखिरकार हमें पूरा समझ में आ गया मगर हम फिर भी जान के अनजान बन रहे हैं। वो कहते हैं ना कि देख के अनदेखा कर देना, कभी कभी पूछ लेना कि भैया कि क्या चल रहा है। अरे तो नहीं, हमारे प्रोजेक्ट की बात करिए। अरे भाई जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो काहे प्रोजेक्ट लेके आते हो, जब तुम्हारी शक्ल पे पहले से तू लिखा है तो फिर काहे तुम 12 बजाने की कोशिश करते हो। मगर नहीं, बेइज्जती तुम्हारी फिर भी होती है। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, समझदार को इशारा कर। भैया इन लोग का बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये कहना है कि हमारी शक्ल पे पान खा के मत थूक के जाओ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम पान नहीं खाएंगे, हम रजनीगंधा सॉरी हम शिखर खा लेंगे या दिलबाग खा लेंगे, क्योंकि रजनीगंधी की तुम्हारी औकात नहीं है, हमारा थूक भी तुम्हारी शक्ल से महंगा है, तो इसलिए हम थूकना भी पसंद नहीं करेंगे, हम तो दिलबाग खाएंगे ससुरा। मगर पड़ोस से एक चाचा निकल के आए जब ये बात चल रही थी तो वो तो भैया खेनी खा के थूक गए। अब बताओ ससुरा इनकी औकात खेनी की है। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, समझदार को इशारा काफी। ये वो नल्ला नल्ली हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर खाना तो भरपेट खा लेते हैं मगर पैसे के ऊपर एक दूसरे से लड़ते हैं। सॉरी, नल्ली को हम प्यार से बिल्ली बिल्ली भी बुलाते हैं। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, समझदार को। हाँ, और इनकी जिंदगी 1 रुपए वाले रॉकेट की तरह है, जो जलाओ साला फुस कहीं भी घुस जाता है लेके। और तो और भैया, ये एक ढाबे पर खाना खा कर आ गया, उस बेचारे के पैसे नहीं दिए, उसने पता नहीं कैसी बद्दुआ निकाली, इनकी तुरंत वहीं नीचे से निकल पड़ी। अब बताओ कैसा मजाक बना है। वैसे तो इनकी 2 कोड़े की इज्जत है और कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी झंड है, मगर फिर भी टाइम स्क्वायर पर फोटो लगा के इनको पता नहीं किस बात का घमंड है। अब देखो भैया, इन लोग के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ यार कि प्लम्बर की नौकरी दिलवा देता हूँ साला, अच्छे खासे वहाँ पर पैसे मिल जाएंगे, पाइप जोड़ना भी तुम सीख जाओगे और टंकियों में से पानी भी बिल्कुल ठीक ठीक जाएगा, और तुम्हारी बिल्ली बिल्ली का भी मैं कहीं जुगाड़ करता हूँ, वो मैं आने वाली किसी वीडियोज़ के अंदर बता दूंगा, फिलहाल वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, अगर समझ रहे हो तो एक नीचे प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए, एक अच्छे से कमेंट को हम पिन मार लेंगे, यही कर सकते हैं। तो भैया देखिए, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मैं टायर चटवा के। हाँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो।